बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आज एक अच्छी सी रेसिपी हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, शलजम आलू और गोश्त के साथ। ये पूरा एक कंप्लीट मील बनता है सालन का, तो बहुत मज़े का होता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट पड़ेंगे और ये कैसे बनेगा। यकीनन आप मेरी रेसिपी ट्राई भी कर रहे होंगे और मुझे लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं और इसको तैयारी करते हैं। एक कप तेल के करीब हमने इसमें तेल ले लिया है और इसको गर्म करने रख दिया था। ये ज़रा गर्म हो गया है तो अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। देखिए, दो से मीडियम हमने प्याज काट के इसके अंदर तेल के अंदर डाल दिया है। अब हमें इसे लाइट ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है। ये काला हो जाएगा तो सालन की शक्ल भी काली हो जाएगी, इसलिए आपने इसको बस लाइट ब्राउन करना है। अभी लाइट ब्राउन करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया है, बस इतना ही कलर ये काफ़ी हुआ। अब इसके अंदर एक से डेढ़ पाव के करीब गोश्त है, मछिया का गोश्त है, बीफ का, और हम चाह रहे तो आपके लिए बना रहे तो हमारे लिए काफ़ी है। आप चाहें तो औरत को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको हम इतने इस तरह से कर लेंगे या इसमें मिक्स कर लेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। और इस गोश्त को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट, तो ये आधा तो गलावा ही है। अगर आपके पास गलावा नहीं है तो आप फिर इसमें पानी डाल के पहले इसको गला लेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे हम इसमें चलाएंगे, और नीचे से नहीं लगना चाहिए ये, आप इसको चलाते रहें और जब तक इसको लाइट ब्राउन ना हो जाए। चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं कि ये जले ना नीचे से। लेकिन वैसे अब गोश्त का जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो गया, गोश्त तेल में काफ़ी तेल मिक्स हो गया। अब इससे गोश्त का टेस्ट और सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के हम जब तक इसको करेंगे, तब तक भूनेंगे इसको जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। देखें व्यूअर्स, अब ये टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो गए और इनका मसाला हमने बनाना है। अब हम इसमें स्पाइस ऐड कर लेंगे। ये दो भरे हुए लाल मिर्च के चम्मच हैं, दो चार लौंगे हैं, दो चार आपकी काली मिर्चें हैं, एक चम्मच के करीब ये सफ़ेद ज़ीरा है, और थोड़ी सी एक दो जो हैं दालचीनी है, और दो जो थी ये बड़ी इलायची, गरम मसाला पूरा ना, दो चम्मच के करीब ही हमारे पास पिसा हुआ धनिया पाउडर है, एक चम्मच के करीब हल्दी है, और एक से डेढ़ चम्मच हसबे जायका आपके टेस्ट के मुताबिक नमक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसमें मैं दही डाल दूँगी, दही भी एक कप के करीब था, 3/4 कप, आप एक कप भी ले सकते हैं, इसमें हॉट एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर डाल के आप मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा पानी डाल दें, एक आधा कप के करीब, और इसको ढक के पकाएंगे जब तक इसका मसाला भुन ना जाए, जब तक मसाले में दाना नहीं आ जाएगा, तेल अलहदा ना हो जाए, जब तक के लिए हम इसे थोड़ा पकाएंगे और ढक के पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, अब ये मसाला भुन गया है और बहुत अच्छे से हमने इसको मसाले को भून लिया। आप देखें चारों तरफ इसके ऑयल भी नज़र आ रहा है और मसाले में दाना भी नज़र आ रहा है, इसमें कहीं कच्चापन नहीं है। अब इसके अंदर हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे। आप लोगों का अगर गोश्त गला नहीं हो तो आप देख लीजिएगा गोश्त, मेरा गोश्त तो गला हुआ है, तो मैंने तो इसलिए अब मैं इसमें सब्ज़ी डाल दी। ये आधा किलो के करीब शलजम है,
जो मैंने इस तरह से बड़े बड़े काट लिए हैं और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। सारे शलजम हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं आलू डाल रही हूँ। ये दो अदद आलू हैं जो मैंने इस तरह स्क्वायर में काट लिए हैं क्यूब्स में, और ये आलू हम डाल देंगे। और ये चार से पांच हरी मिर्चें हैं, आप काट के भी डाल सकते हैं, मैं साबुत डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर दें। और ये सालन बहुत मज़े का बनता है और डिफरेंट स्टाइल है इसका बिल्कुल, और डिफरेंट सब्जियाँ इसके अंदर शामिल हैं। लोग शलजम इसी तरह से अकेले बना के खाते हैं, हमने इसमें आलू भी ऐड किए हैं, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अब आप इसमें एक कप के करीब पानी डाल दें, या जितना आपको ग्रेवी रखनी है आप उतनी डाल दें, और ये इतनी डालें कि ये जो है आपका सब्ज़ी इसी में गल जाए। मैंने इतना पानी किया है कि सब्ज़ी इसी में गल जाएगी, और फिर उसके बाद जो ग्रेवी रखनी होगी वो मैं देख लूँगी, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसलिए सही है। अब इसको हम बंद करके पकाएंगे सब्ज़ी के गलने तक। शलजम तो बहुत जल्दी गल जाते हैं आपको पता है, आलू के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए व्यूअर्स, अब ये बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। जितनी ग्रेवी आपने रखनी है आप रख लें, इसका ऑयल जो है वो भी साइड पे अब निकल के आ गया। तो अब ये सालन बिल्कुल तैयार है। जब ये बिल्कुल तैयार है तो इसके अंदर हम बहुत थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल। देखिए व्यूअर्स, ये हमने सालन इस डिश में निकाल लिया है और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और बहुत मज़ेदार है। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और आप लोग घर पे ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका सालन कैसा बना। और ये नॉर्मल खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और मेहमानों के सामने बनाने के लिए भी बहुत अच्छा सालन है, क्योंकि टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये मेरी रेसिपी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं, मेरा दिल बहुत खुश हुआ पढ़ के कि आप लोग इतनी मोहब्बत से इतने कमेंट्स कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी, चाहे वो लाइक करे डिसलाइक करे, लेकिन वो अपनी राय का इजहार करता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स के जवाब भी दिए हैं। उम्मीद है आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे, मैं भी आपको ज़रूर दुआओं में याद रखती हूँ। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारा चैनल चल रहा है। और बस यह है कि आप लोगों की सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए, जो मुझे मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।